नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने फतेहगढ़ साहिब के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान लोगों को कई सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि ये जानकारी लोगों से अवगत कराई गई है। कच्चा मकान थी जी मेरा, बहुत ही ढंग हाँ जी 1,20,000 है। थोड़ी मेरी मोदी सरकार ने जी ऐसे पैसे जी हाँ जी कच्चा मकान थी जी मेरा। भारत संकल्प यात्रा न केवल पंजाब में लोगों को जीओआई फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करती है, बल्कि लाभार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत जालंधर के गांव के कुछ लोग यहां अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। पैसे जी हाँ जी कच्चा मकान थी जी मेरा, बहुत ही ढंग हाँ जी 1,20,000 है। मैं आयुष्मान कार्ड 5 लाख वाला जेड़ा बीमा योजना है, मैं अपना भी बनवाया थे, अपने सारे परिवार का भी बनाया है। मैं मेरी सलाह यही है कि सारे बनाना चाहिए आ, ये सरकारी हस्पतालों में भी मतलब यूज आता है, प्राइवेट हस्पतालों में भी, तो ये अपन सारे लाभ उठाना चाहिए। थैंक यू। सत श्री अकाल, मैं आयुष्मान कार्ड बनाया है, अपने सारे परिवार का भी बनाया है, सारे यदा फायदा लेना चाहिए आ। ये सरकारी हस्पता प्राइवेट हस्पता सारे में चलता, जो गरीब जनता आ जिन्हों को पैसे नहीं है वो इस प्राइवेट से सरकारी में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। खबर बठिंडा से है, जहां सिख जत्थेबंदी और मानवीय अधिकार संगठनों द्वारा बठिंडा में रखे गए मार्च और रैली से पहले पुलिस द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। आप बता दें कि रैली में भाग लेने आए कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं गुरुद्वारा साहिब के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है और इस रैली में भाग लेने आए लोगों को पुलिस द्वारा लगातार हिरासत में भी लिया जा रहा है। ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 75ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਖੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। जिला गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक के थाना कोचली सूरत मल्ली के अधीन गांव रोमाल रामल के नजदीक राजबाहा उदवली खुर्द में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की रहस्यमय परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई है। मौत कैसे और क्यों हुई इस पर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी देते हुए एसएचओ निर्मल सिंह ने बताया कि उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी थी कि रामल गांव के पास नहर में एक वृद्ध व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। करीब 70 साल के बुजुर्ग की नहर में डूबने से रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि बुजुर्ग की पहचान दलीप सिंह के रूप में हुई है, जो थेटर के गांव का रहने वाला है और उसकी करीब 20 साल पहले से अपनी भांजी के गांव गिलावाली में रहता था और परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला है कि यह बुजुर्ग नशे का आदि था। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का कहना है। ਪੈਂਹਠ ਸੱਤਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਰਾਮਲ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਬਾ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਸੀ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੀਪਾ ਵਾਸੀ ਠੇਠਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ दहर में डूबने से इस व्यक्ति की मौत की आशंका जताई जा रही है। वही जानकारी मिलने पर पता चला है कि जो वृद्ध थे नशे के आदि थे, परिजनों से बातचीत हो पाई है और जो शव है उनकी शिनाख्त कर ली गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को ये फोन पर सूचना मिली थी कि एक वृद्ध की शव जो है नहर में मिला है और इस शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और सूत्रों के साथ से जानकारी के मुताबिक जो शव है 70 वर्षीय एक वृद्ध का बताया जा रहा है, जिसके शिनाख्त हो पाई है और जिनके परिवार वालों से भी बात करके शव को कब्जे में ले लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गुगामणी की हत्या के लगातार प्रदर्शन जारी है। डीसी कार्यालय पठानकोट के बाहर राजपूत समाज और क्षेत्रीय महासभा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और गुगामणी की हत्या साजिश के तहत की गई है, पुलिस को उनके हत्यारों का एनकाउंटर करना चाहिए। इस मौके पर अलग अलग प्रवक्ताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पुलिस को हत्याकांड की बारीकी से जांच भी करनी चाहिए। ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਗਾਮਣੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ, ਧੌਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧੌਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਠਾਕੁਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਗਾਮਣੀ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਔਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मरविंदर सिंह कंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कुछ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है आपको भी सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी लुधियाना विखे एक बहुत लोगों की लोड़वंद जरूरत ध्यान च रखते हुए मान सरकार तुहाडे द्वार स्कीम जिहड़ी है वो जारी करने वाले है, लॉन्च करने वाले हुंदा यह रहा है कि पंजाब च चाहे किते भी सिनेरियो यह है कि पोलिटिकल पार्टियां हमेशा वोटां वास्ते लोगों के घर घर आउंदियां और वोटां लैके फिर पांच साल गैप ते पांच साल बाद फिर आ गए ते वोटां मंगण। सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार है
कि जेड़ी वोटां तो बाद इमीजिएटली क्योंकि पंजाब के लोगों ने सानू वोटां पातियां हुण साडा काम है उन्हां दे जरूरत नूं लैके उन्हां दे कम्मां नूं लैके असीं उन्हां दे घर जाइए ते सरकार तुहाडे द्वार स्कीम जिहड़ी आ उहदा पूरा मकसद यह है कि सरकार हुण हरेक जरूरतमंद लोड़वंद जिहड़ियां आम लोगों दीआं जरूरतां नाल संबंधित सर्विसिज है उन्हां नूं लैके घर घर जाऊगी ना सिर्फ उन्हां नूं पूरा करूगी बल्कि हरेक तरह की कोई उन्हां नूं परेशानी ना होवे हरासमेंट ना होवे खज्जल खराबी ना होवे उस चीज नूं बिल्कुल पंजाब चों खत्म किया जाऊगा। पंजाब सरकार 10 दिसंबर नूं सरकार तुहाडे द्वार राही 43 इहो जिहियां सर्विसिज 43 सर्विसिज चाहे उहदे च बर्थ सर्टिफिकेट है चाहे उहदे च कई तरह के इनकम सर्टिफिकेट तो लैके चाहे वह पेंशन है बुढ़ापा पेंशन है इस तरीके नाल जिहड़े साडे डिसेबल लोग हैं उन्होंने सर्टिफिकेट जारी होने हैं इस तरीके नाल बॉर्डर एरिए दे सर्टिफिकेट बैकवर्ड क्लास एससी भाईचारे दे सर्टिफिकेट तो तमाम एहजियां सर्विसेज जिहड़ियां हरेक इंसान नू हरेक परिवार नू जरूरत रहिंदी आ और उहदे लई उह सरकारी दफ्तरां दे वी चक्कर कटदा सी उह रिश्वत भी दिंदा सी उह खज्जल खराब भी हुंदा सी वो तमाम लोगों की खज्जल खराबी दूर करने वास्ते 10 दिसंबर तो मानसा की सरकार तुहाडे द्वार इस स्कीम लॉन्च करके लोगों जिदे एक मोबाइल नंबर दिता जाऊगा उस मोबाइल नंबर से घर बैठ के हरेक पंजाबी डायल करके पर्टिकुलर जिहड़ी उन्हूं सर्विस की जरूरत है वह रजिस्टर्ड करा सकता है फिर पंजाब सरकार का एक नुमाइंदा जिस बंदे ने डिमांड की है जिहड़ी भी सर्विस की उन्हें जरूरत है वो घर जाके वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करके और सर्टिफिकेट उन्हें जिहड़ा आ डिलीवर भी करूंगा और डिजिटल यदि भी जिहड़ी सुविधा नाल रहेगी फोन पर भी जाऊंगा और जिहड़ी हार्ड कॉपी है वह भी घर डिलीवर करांगे। कहण तो भाव यह आ कि आम लोगों जिहड़ियां हरेक तरह दियां सरकारी दफ्तर च जरूरत रहिंदियां सी रोज खज्जल खराब होना पैंदा सी जिहदे लई उन्हां दा ना सिर्फ टाइम बल्कि नाल नाल दुनिया भर की एनर्जी और पैसा वेस्ट हुंदा सी उह सारियां खत्म करके मान साहब हरेक पंजाबी दे घर उहदी जरूरत दा सर्टिफिकेट डाकूमेंट उपड़दा करूगी और उहनूं हुण सरकारी दफ्तर के चक्कर और धक्के खाण की लोड़ नहीं होगी और एक पूरी तरह ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड और ये जड़ा मिडलमैन की जी भूमिका सी जिथे बहुत ज्यादा एक्सपलॉयटेशन सी आम बंदे वो जड़ा वो एक्सपलॉयटेशन ये खत्म होगी और मान साहब की सरकार का एक कमिटमेंट है पंजाब के लोगों का कि तुसी सानू वोटा पाइया हुण असी तुहाडे काम तुहाडे घर आके करांगे। ये स्पैशल उपराला मान साहब की सरकार ने जड़ा है तो दो तीन चीजा जो आर्म लाइसेंस न संबंधित हजे सर्विस नहीं मिलेगी आधार कार्ड ना नहीं मिलेगी तीसरा जोड़ा ई स्टाम्प पेपर है ये तीन चीजा इतों बार रखी गई बाकी तकरीबन तमाम एक लिस्ट है 43 सर्विस की अं प्रेस नोट के नाल तुम्हें दे भी देवे मैं 4-5 दिना भी इन्ना मोटिया मोटिया जड़िया एंड आधार कार्ड इट विल नॉट इंक्लूड पेंशन बुढ़ापा पेंशन कास्ट सर्टिफिकेट ये रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट अदर बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट ये फर्द जनरेशन हैंडीकैप वास्ते पेंशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रजिस्टर मैरिज सर्टिफिकेट शगन स्कीम वास्ते जड़ा जड़ा केस है शगन स्कीम का वह भी इसते फॉरवर्ड ये डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जोड़ा पेंशन है बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है डीमार्केशन ऑफ लैंड
इसे डेथ सर्टिफिकेट काउंटर साइनिंग डाकूमेंट एन आर आईया वास्ते खासकर ये कंडी एरिया सर्टिफिकेट जोड़ा है वह भी जारी होगा। सो तमाम इनकम सर्टिफिकेट है ये 43 सर्विसेज जिहड़ियां आम बंदे नूं हर रोज लोड़ रही है जरूरत रही है वह हुण पंजाब सरकार घर जाके बना के दूगी लोगों नूं खज्जल खराब होने की लोड़ नहीं है। सो एक अहम फैसला मान साहब की सरकार ने किया जिहड़ा कल तो 10 दिसंबर तो इंप्लीमेंट हो जा रहा जिदे नाल ट्रांसपेरेंसी आऊगी करप्शन घटूगी और विचोलियापन खत्म होगा। सो इन्हू लैके अज मैं तुहाडे नाल रूबरू होया सी इहदे नाल संबंधित तुहाडा कोई सवाल होवे तां तुसीं कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फरीदकोट में गोल्डन जुबली के अवसर पर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में करवाए गए समारोह में शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल अस्पताल के पास जच्चा बच्चा विभाग का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि यह वार्ड अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और उत्तर भारत की पहला विभाग है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर की कुछ और परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ बलवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर, स्पीकर कुलतार सिंह, संधवा विधायक डॉ अमनदीप कौर, विधायक अमोलक सिंह भी मौजूद रहे। मिसाल ही दुनिया च नहीं मिलती। मैं नहीं कहता मेरे मगर लगो मेरे पिछे लगो, मैं कहना बराबर लगो। आप कट्ठे होके आ जिहड़ियां अलामतां ने पंजाब नूं 2000 चिंबड़ियां होईयां परे दूर करके ऐसा सूबा साडा, ऐसी जरखेज धरती, ऐसी मेहनती कौम, ऐसे साडे कोले दसां गुरुआं दी बाणी, साडे कोले गुरुआं दे साडे शहीदां दे देवी देवतां दे आशीर्वाद, असीं अपने आप नूं थोड़ा जिहा अंडर एस्टिमेट कर रहे हां। थोड़ा जिहा आप पूजिए, असीं किसे पक्ष तों घट नहीं हैगे। कोई काम दस दो जिहदे विच पंजाबी इक वारी आ गया होवे ते उहने धार लिया होवे मन च के इस फील्ड च कामयाब होना ते फेल होया होवे। नो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की ओर से आम लोगों की सरकार की बात कही जा रही है, वहीं पठानकोट में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पठानकोट में स्विमिंग पूल के बीच बनाए गए मीटिंग हॉल का उद्घाटन करने के लिए कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक पहुंचे, लेकिन बीजेपी के पठानकोट से विधायक अश्विनी शर्मा पार्षदों का उद्घाटन वाली जगह पर न जाने देने के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक को उद्घाटन करने के बाद पिछले रास्ते से ही पुलिस द्वारा निकाल दिया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ग्राउंड के गेट पर खड़े होकर प्रदर्शन करते रहे। मौजूदा विधायक अश्विनी शर्मा की ओर से रोष जताया गया कि उन्हें पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। वहीं पुलिस के साथ भी बीजेपी विधायक व पार्षद तीखी नोकझोंक करते हुए दिखाई दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया कि संविधान के अनुसार देश चलेगा, जनता के वोटा नाल जन प्रतिनिधि बनेंगे। एमसी बीजेपी ने उन्हां नूं सादा है अंदर नहीं जानता। मैं हाउस का मैंबर हाँ, मैं इन्हां दी दया दे कारण एमएलए नहीं हाँ, पठानकोट की जनता ने मैनूं चुनिया। ये किसी पार्टी का सवाल नहीं, ये पंजाब पठानकोट के लोगों की लोड़ सी। सो इन्ह दोवां पार्टियां ने लंबा समा कारपोरेशन इन्हां दी रही है, अज भी कारपोरेशन उन्हां कोल, कभी बीजेपी को कभी कांग्रेस कोल, ये अपने बैठने की थान नहीं बना सके अज तक। सो साड़ी तो कारपोरेशन है ही नहीं, अभी तो सगो बना के दिता इन्हों। सो मैं लगता भी बीजेपी इधर उधर गल कर बजाए जे धरना लाना तो सनी देओल के खिलाफ ला, जिन्हू वोटा पाइया घर घर जाके। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के जन्मदिन पर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी कमलजीत चावला और उनकी टीम द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और इस मौके पर प्रभारी कमलजीत ने कहा कि पंजाब के हर राजनेता को सरदार प्रकाश सिंह बादल से सीख लेनी चाहिए।
सरदार बादल पंजाब के बाबा बोर थे, हमने उनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी कमलजीत चावला ने आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले भी किए। अज इत्थे बीबी सुंदरी गुरुद्वारा नवा पिंड बहादुर लागे एक वड्डा मैगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। अज सरदार प्रकाश सिंह बादल जी दे जन्म दिवस दे उपर ते उपराले योग इत्थों दे जिहड़े हलका इंचार्ज ने श्री कमलजीत सिंह बाजवा जी ने यह कैंप अरेंज किया है। इत्थे यह देखन च आया है कि जिहड़ी नौजवान जनता है इस गुरुद्वारे विच सारे वध चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हुण तक 35 यूनिट इकट्ठे हो चुके हैं ते आस हैगी है कि 50 तो 60 यूनिट इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये देख के बहुत वधिया लग रहा है कि नौजवानों इन्ना जोश है खूनदान करन दा, चंगे काम करन दा। तो इस कैंप के राही असं यही मैसेज देना चाहते हैं नौजवानों कि चंगे काम करते रहन, चंगे उपराले करते रहन। अज उन्होंने जन्म दिहाड़े से हलका दीनानगर के अंदर साढ़े बहुत इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहब बीबी सुंदरी जी विखे, शहीद बीबी सुंदरी जी गुरुद्वारा साहब विखे अज खूनदान का जरा कैंप लगाया गया। उस तो पहला सरदार बादल जी के जन्म दिहाड़े को समर्पित असी सुखमनी साहब के पाठ आरंभ कराए, उपरंत भोग पैन तो बाद अरदास हुई और उन्हां दी अरदास तो बाद एक खूनदान कैंप का जिहड़ा संचालन शुरू होया और बहुत वड्डी तादाद विच साडे हलके दे अकाली दल दे वर्करां ने एक खूनदान दे महान कार्ज विच हिस्सा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। विनायक शर्मा आपसे लूंगे विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।